हेलो स्टूडेंट, मैं ज्योति आपकी हिंदी टीचर क्लास 6 की। आज हम हिंदी रीडर के चैप्टर 1 मस्तक नहीं झुकाएंगे के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह कविता भारत के वीर सपूतों को संबोधित करके लिखी गई है। बच्चों, यह कविता है हमारे भारत के वीर सैनिक जो है उसके ऊपर लिखी गई है। कवि के युवा पीढ़ी का गुणगान किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। आज का नवयुवक गुणों में अपने पूर्वजों से, अपने यानी कि बड़े जो लोग थे उनसे किसी भी तरह कम नहीं है। वह अपने देश की प्रगति के लिए मर मिटने को तैयार है। अपने देश के लिए, अपने देश को, देश की वीरता के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम सुबह की नई किरण हैं। जैसे कि सुबह होता है, सूरज निकलता है, इसी तरह से हम भी अपने देश की प्रभात की तरह से नई किरण है। हम दिन के आलोक नवल, हम दिन के उजियाले, आलोक प्रकाश, नई हम दिन के प्रकाश की तरह से नए वीर सपूत हैं। हम नवीन भारत के सैनिक, हम अपने भारत के नए सैनिक हैं। वीर, धीर, गंभीर, अचल, हम धैर्यवान हैं, बहादुर हैं और अपने देश के लिए स्थिर रहने वाले हैं। हम पहरी, ऊंचे हिमाद्री के पहरी यानी कि पहरेदार, हम अपने ऊंचे हिमालय, हमारे देश में सबसे ऊंचा है हिमालय पर्वत, उसके हम पहरेदार हैं, उसकी रक्षा करते हैं। सुरभि सुगंध स्वर्ग की लेते हैं, सुरभि की बोला गया सुगंध, सुगंध किसकी लेते हैं, स्वर्ग से अच्छी अच्छी खुशबू लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरती के, हम अपनी धरती के शांति दूत हैं। छा सभी को देते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे जो है सभी को छाया देते हैं, इसी तरह से हम भी अपनी धरती की रक्षा करते हैं और हम भी अपनी धरती को छाया देते हैं। वीर पशु माँ की आँखों के यानी कि वीरों को जन्म देने वाली माँ की आँखों के हम नए उजियाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हमारे देश में बहने वाली गंगा यमुना हिंद महासागर उसके हम रखवाले हैं। हम हैं शिवा प्रताप, हम शिवाजी वीर महाराणा प्रताप उनकी तरह से वीर हैं। रोटियां भले घास की खाएंगे, चाहे हम रोटी घास की खा लेंगे लेकिन किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, लेकिन हम अपने किसी भी दुश्मन के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। बच्चों, इसमें वीर सपूतों के बारे में बताया गया है जो कि अपने देश पे मर मिटने के लिए तैयार हैं, अपने देश की खातिर अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि यहाँ पे वीर सैनिक दिए गए हैं और ये है हमारे देश का झंडा। ये तो आप लोगों को सबको पता होगा ना, सब बच्चे देखते भी होंगे, सबको पता भी होगा ये हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय झंडा। और ये हैं हमारे देश के वीर सैनिक। बच्चों, हमें भी बड़े होके वीर सैनिक ही बनना है। कौन कौन बनने की कोशिश करेगा? हाँ, हम सभी को अपने देश का वीर सैनिक बनना चाहिए। अपने देश के लिए हमें भी अपने प्राण न्योछावर, अपने प्राणों की बलि को देना चाहिए। थैंक यू। बच्चों, अब तक तो हमने इस चैप्टर की कविता के बारे में पढ़ा, अब इसके शब्द अर्थ को समझेंगे। फर्स्ट वर्ड है प्रभात, प्रभात का अर्थ होता है सुबह। नेक्स्ट है आलोक, आलोक का अर्थ है प्रकाश। नवल, नवल, नवल का अर्थ है नई। नेक्स्ट है नवीन, नवीन का अर्थ है नया। धीर, धीर का अर्थ है धैर्यवान। नेक्स्ट है अचल, अचल का अर्थ है स्थिर। अब है प्रहरी, प्रहरी का है पहरेदार। नेक्स्ट है हिमाद्री, हिमाद्री का अर्थ है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ। नेक्स्ट है सुरभि, सुरभि का अर्थ है सुगंध। धरणी, धरणी का अर्थ है धरती। नेक्स्ट है वीर पशु,
वीरों को जन्म देने वाली। नेक्स्ट है जुल्मी, जुल्मी का अर्थ है अत्याचारी। अब आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले है मौखिक। मौखिक में फर्स्ट प्रश्न है, यह कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है? आंसर है बच्चों, यह कविता भारत के वीर सपूतों को संबोधित करके लिखी गई है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता के रचयिता कौन है? आंसर है बच्चों, इस कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वीर धीर गंभीर कौन है? आंसर है, वीर धीर गंभीर भारतीय सैनिकों को माना गया है। लास्ट क्वेश्चन है, कविता में शांतिदूत किसे कहा गया है? आंसर है बच्चों, कविता में शांतिदूत धरती पर छाया देने वाले वृक्षों को कहा गया है। इसका आंसर बच्चों ये भी लिख सकते हो कि कविता में शांतिदूत भारत के वीर सैनिकों को कहा गया है। अब आते हैं बच्चों लिखित। लिखित में है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, नवीन भारत का क्या अर्थ है? आंसर है बच्चों, नवीन भारत से तात्पर्य है कि हम उस सुबह की नई किरण से प्रकाशित दिन के समान वीर नौजवान से है। कविता में किन किन नदियों का उल्लेख हुआ है? कविता में गंगा यमुना नामक नदियों का उल्लेख हुआ है। भारत के नौजवान किसके वंशज हैं? भारत के नौजवान शिवाजी और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के नवयुवक किसकी पहरेदारी करते हैं? आंसर है, भारत के नवयुवक बर्फ से ढके हिमालय पर्वत की पहरेदारी करते हैं। अब आता है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें है फर्स्ट प्रश्न, इस कविता में कवि ने भारतवासियों के किन किन गुणों का उल्लेख किया है? आंसर है बच्चों, इस कविता में कवि ने भारतवासियों के वीर धीर गंभीर तथा अचल आदि गुणों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है बच्चों आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो लाइनें दी हुई हैं आपको इनका अर्थ बताना है। फर्स्ट है, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। इसका अर्थ है कि हम पहरेदार बर्फ से ढके ऊंचे हिमालय की रक्षा कर स्वर्ग रूपी सुगंध को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, वीर प्रसु माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं। इसका अर्थ है बच्चों, वीरों को जन्म देने वाली उस धरती माँ की आँखों के हम नए उजाले हैं। अब आता है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें है सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। फर्स्ट है, कविता में प्रभात की नई किरण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, आपको सही पे सही का टिक लगाना है। फर्स्ट है सुबह की पहली किरण के लिए, दूसरा है सैनिकों के लिए और तीसरा है भारत के लिए। इसका सही आंसर है सुबह की पहली किरण के लिए। नेक्स्ट है, कविता में किस महासागर का उल्लेख हुआ है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? इसका सही आंसर है हिंद महासागर। धरणी से क्या अभिप्राय है, माता भारत या धरती? धरणी से अभिप्राय धरती से है। अब आता है बच्चों, यहाँ पे कुछ स्वर और व्यंजन आपको मिक्स करके दिए हुए हैं, जिसके कि स्वर को अलग और व्यंजन को अलग करके उनसे आपको नए नए वर्ड बनाने हैं। इसमें है पहले ई, ई क्या है स्वर, तो हमने ये स्वर में लिख दिया। फिर है ए, ए भी क्या होता है स्वर। फिर है नेक्स्ट द, द क्या होता है व्यंजन। फिर है नेक्स्ट ऊ, ऊ हमारा है स्वर। नेक्स्ट है क, क हमारा होता है व्यंजन। फिर है त, त क्या होता है, त भी हमारा व्यंजन है। फिर है ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ क्या होता है स्वर। आ, आ क्या है हमारा, ये भी स्वर है। न, न क्या है व्यंजन। फिर आता है ओ, ओ हमारा क्या है स्वर। फिर है प और म, ये भी हमारे व्यंजन है। और इनसे आपको दो दो वर्ड स्वर और व्यंजन से बनाने हैं। जैसे ई से बनता है ईक, ईमान। ए से है एड़ी, एक। ऊ से है उल्लू, उपहार। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से हो गया ऊन,
ऊपर बड़ा आ, बड़ा आ से है आम, आदमी, फिर है ओ से हो गया ओखली या ओस। इसी तरह से व्यंजन है, व्यंजन के भी हमें वर्ड बनाने हैं, द से हो गया दर्जी या दरवाजा, क से कबूतर कपड़ा, फिर है त, त से तरबूज तबला, फिर है न, न से नदी नल, फिर है पा, पा से पतंग परी, फिर है माँ, माँ से मछली और मगर। अब आते हैं नीचे दिए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसके सामने तीन तीन शब्द दिए हुए हैं। इसमें आता है बच्चों, फर्स्ट वर्ड है सुरभि। सुरभि के यहाँ पे सामने तीन वर्ड लिखे हुए हैं, जो सही वर्ड है उस पर हम गोला बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो सुबह, खुशबू, सुता, सही वर्ड क्या है? खुशबू। सुरभि का पर्यायवाची क्या होगा? खुशबू। नेक्स्ट है गंगा। गंगा के आगे तीन वर्ड दिए हैं, नक्षत्र, भागीरथी, कल्याणी। सही वर्ड क्या है? भागीरथी। नेक्स्ट है नवीन। नवीन का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पे दिया है अचल, तने, नया। नवीन का सही अर्थ होगा नया, यानी कि पर्यायवाची शब्द हो गया नया। माँ, माँ का क्या है? कुशल, निपुण या माता। पर्यायवाची शब्द क्या होगा? माता। नेक्स्ट है किरण। किरण के दिया हुआ है तीन वर्ड, रश्मि, ज्योति, शैल। सही वर्ड क्या है इसका? रश्मि। नेक्स्ट है प्रभात। प्रभात का भी तीन वर्ड दिए हैं, सुबह, रात्रि, दर्प। इसका सही अर्थ है सुबह। अब आता है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। फर्स्ट वर्ड है सुरभि। बगीचे में फूलों की सुरभि महक रही थी। नेक्स्ट है अचल। वीर पुरुष अपनी बात पर अचल रहते हैं। नेक्स्ट है गंभीर। जीवन में हर समय गंभीर होना अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट है मस्तक। मस्तक का वाक्य प्रयोग होगा, अपना मस्तक किसी जुल्मी के आगे नहीं झुकना चाहिए। अब आता है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों का सही वर्ड विच्छेद चुनकर आपको सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ वर्ड दिया है प्रभात। प्रभात में इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है सही है। इसका सही वर्ड रहेगा प प्लस रा प्लस अ भ आ त अ। ये सही वर्ड विच्छेद प्रभात का है। नेक्स्ट है परिवार। परिवार का सही वर्ड विच्छेद होगा प अ र इ व आ र अ। नेक्स्ट है बच्चों उद्योग। उद्योग का सही वर्ड होगा उ द य ओ ग अ। अब है लास्ट वर्ड सैनिक। सैनिक का सही वर्ड होगा स ए न ई क अ। अब आता है बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द में दिया है नवीन। नवीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। फिर है स्वर्ग। स्वर्ग क्या होगा? नरक। नेक्स्ट वर्ड है वीर। वीर का क्या है? कायर। नेक्स्ट है आगे। आगे का है पीछे। फिर आता है ऊंचा। ऊंचा का विलोम क्या है? नीचा। फिर है नेक्स्ट गंभीर। गंभीर का चंचल। शांति। शांति का होगा अशांति। लास्ट वर्ड है अचल। अचल का है चल। थैंक यू स्टूडेंट।